तो इसके अंदर ये है कि इसमें तीन मासेज हैं और मैंने इस पूरे ब्लॉक को फोर्स लगाई एफ, पूरा अरेंजमेंट राइट की तरफ जाएगा लेकिन अंदर ही अंदर 20 केजी नीचे जाएगा, 10 केजी इधर भी जाएगा, तो ये अलग एक्सलेशन है और ये अलग एक्सलेशन है। आपको एफ बताना है, आपको बताना है मैंने कितनी फोर्स लगाई, सो दैट मास एम टू मूव अपवर्ड विद एन एक्सलेशन ऑफ 2 m/s², ताकि ये ऊपर उठ जाए, नीचे ना गिरे। गिरना तो कायदे से तो नीचे चाहिए था, पर मैं चाहता हूं कि ऊपर की तरफ आ जाए। अब देखो, जब ये ब्लॉक पे एफ फोर्स लगेगी सिस्टम पे, सिस्टम एक्सेलरेशन ए डैश जनरेट करेगा, तो इस पे और इस पे क्या लगेंगी, सूडो फोर्सेस। इसके ऊपर सूडो फोर्स 10 a' और इसके ऊपर सूडो फोर्स 20 a'। तो दो फोर्सेस क्लियर है। अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 m/s², तो ये लेफ्ट जाएगा 2 m/s², पर पूरा सिस्टम आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए डैश। टेंशन टीएनटी दिख रहा है, ये ब्लॉक लेफ्ट जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, t minus 20g is 20 into 2। यहां से सॉल्व करके टेंशन आ गई, तो टेंशन की वैल्यू आ गई। इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, 10 a' - t is 10 into 2। टेंशन निकाल चुके हैं तो यहां से ए डैश आ गया, तो आपको पूरे बड़े ब्लॉक की एक्सलेशन पता लग गई ए डैश। ठीक, अब ए डैश पता लग गया, अब बड़े ब्लॉक की बात करते हैं। बड़ा ब्लॉक, बड़े ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, बड़े ब्लॉक पे पुली लगी हुई है, पुली के इधर टी एन टी फोर्स है और बड़ा ब्लॉक आगे मूव कर रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए डैश, और फोर्स अप्लाइड कितनी है एफ। बड़े ब्लॉक को एक और फोर्स मिल रही है, ये लगाएगा, क्योंकि जब इस पे सूडो फोर्स लगेगी 20 a', तो ये इस पे जोर लगा रहा है विद द फोर्स ऑफ 20 a', और 20 a' कितना है, 20 into a' 26 है, 520। तो देखो ये फोर्स लगा रहा है 520। अब क्योंकि अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल मोशन का है राइट, हॉरिजॉन्टल राइट फोर्स कितनी है एफ, राइट लेफ्ट फोर्स कितनी है टी, इसको नहीं लेना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात हो रही है, एफ लेना है, टी लेना है, 520 लेना है। तो एफ माइनस टी माइनस 520 इज इक्वल टू 100 into a'। ए डैश पता है, टी पता है, एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये दूसरा क्वेश्चन है जो लोगों का डाउट है।